Hi students, how are you? Let's start today's class. We have to start today the new topic, cyanobacteria. Already we have started the chapter 2 of 11th biology, जिसमें अपने fourth video है आज. मोनेरा second part कर रहे हैं. उस मोनेरा second part इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी help के लिए basically. हमने मोनेरा फर्स्ट के अंदर लिया था आपका बैक्टीरिया का पोर्शन. मोनेरा सेकंड के अंदर बाकी बचा हुआ जो मोनेरियन का पोर्शन है वो सारा लेंगे, जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया और थोड़ा सा लिटिल पार्ट जो है उसका लीचेंस वाला है, प्रियॉन्स हैं, वायरस हैं, ये पोर्शन लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक, साइनोबैक्टीरिया. कॉमनली साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. That's also known as blue-green algae, because blue-green algae, that's the common name of cyanobacteria. The very most and important things, first organism to release the oxygen during the releasing atoms, right? जब atmosphere में सारी suitable conditions start होने initially start हुई थी, उस condition के अंदर cyanobacteria ऐसे first living organisms थे जिन्होंने सबसे पहले oxygen को reduce करके एक गैस फॉर्म में इसको रिलीज किया. बेसिकली H2O सनलाइट की प्रेजेंस में साइनोबैक्टीरिया में मौजूद जो पिगमेंट्स होते हैं वो O2 को रिलीज करता है. यदि मैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में तीन इंपॉर्टेंट चीज बोलूं तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बेसिकली ये सिम्बायसिस शो करते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, और फोर्थ बात ये बायोफर्टिलाइजर्स की तरह यूटिलाइज किया जा सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वाटर की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट पार्ट, साइनोबैक्टीरिया आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द यूबैक्टीरियन. स्लाइड बेसिकली मोनेरा कंसिस्ट कंटेन बोथ साइनोबैक्टीरिया एंड अदर हैंड यूबैक्टीरिया, राइट? बट बेसिकली दे आर नॉट सिमिलर थिंग्स, क्वाइट डिफरेंस है. वो क्वाइट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, बैक्टीरिया पोजेस फ्लैजेला बट साइनोबैक्टीरिया डज नॉट पोजेस फ्लैजेला, यानी कि इनके अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होती है. सेकेंड थिंग, सम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, थैलाकॉइड्स, राइट? बैक्टीरिया ग्रीन होते हैं, सपोज ग्रीन हम एग्जाम्पल ले, फोटोसिंथेसिस यदि वो कर रहे हैं तो बेसिकली वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, बट उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे. साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक थैलाकॉइड. थैलाकॉइड जिसमें पिगमेंट्स भरे होते हैं क्लोरोफिल ए, कैरेटिनॉइड, जेंटोफिल एंड बेसिकली इसके अंदर फाइकोबिलिंस, ये सारा का सारा जो कॉम्बो बना हुआ है पिगमेंट्स का, वो पिगमेंट्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस एज इट इज जो हायर प्लांट्स में होता है वैसे वैसे करवाते हैं यहां पर भी. ये सिमिलरिटी सबसे बड़ी है. तो व्हाई साइनोबैक्टीरिया आर डिफर फ्रॉम द यूबैक्टीरिया, बिकॉज दे डज नॉट पोजेस साइनोबैक्टीरिया डज नॉट पोजेस फ्लैजेला, यानी फ्लैजेला एब्सेंट है. सम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट लाइक थैलाकॉइड्स. थैलाकॉइड्स इज अ स्ट्रक्चर दैट इन्वॉल्व इन अ फोटोसिंथेसिस. बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें अपन, इसके साथ में एक चीज यहां पर है, मोनेरिन्स हैं तो यूसेलुलर होंगे, प्रोकैरियोटिक है, ये भी बात सही है. फिलामेंटस और कॉलोनियल्स हैं, बेसिकली जितने भी साइनोबैक्टीरिया वो फिलामेंटस होंगे और कॉलोनियल्स होंगे, यानी कि बंच बना के क्लस्टर फॉर्म में होते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं सेलुलर लेवल की, तो बेसिकली इस सेलुलर लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट बात, थिक सेल वॉल जिसके बाहर की तरफ होता है जिलेटिनस वॉल. अंदर की तरफ साइटोप्लाज्मा की बात करें तो साइटोप्लाज्मा दो हिस्सों में डिवाइड है. बाहर वाला जो हिस्सा है वो एक्सोप्लाज्मा है. इस एक्सोप्लाज्मा में वेल बाउंड स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थैलाकॉइड होता है, ठीक है. और इंटरनली द स्ट्रक्चर्स दैट कंटेनिंग सर्कुलर जेनेटिक मटीरियल एंड राइबोसोम, 70S राइबोसोम. एज वी नो राइबोसोम इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सर्कुलर जेनेटिक मटीरियल्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, राइट? तो बेसिकली साइटोप्लाज्मा कैन बी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट पार्ट्स, द स्फेरिकल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट दैट इज एक्सोप्लाज्मा एंड द सेंट्रल पार्ट दैट्स कॉल्ड एंडोप्लाज्मा. इन एक्सोप्लाज्मा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज द थैलाकॉइड इज प्रेजेंट हियर, पोजेस contains chlorophyll A, carotenoid, xanthophyll and phycobilins. Because of these pigments, the cyanobacteria can generate photosynthesis. Photosynthesis की वजह से जितने भी blue green algae होती है, cyanobacteria होते हैं, they are all autotrophs, right?
अब बात करें नेक्स्ट, सम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्ग्स की कैन फिक्स द नाइट्रोजन, सारे नहीं कुछ की बात करें, कुछ में कौन आते हैं, मैं बात करूं कुछ के अंदर तो बेसिकली मैं एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर आ गया इसके अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सेल को डिवाइड कर सकते हैं हम पेरिफेरल एक्सोप्लाज्मा सेंट्रल पार्ट एंडोप्लाज्मा राइट। सेंट्रल पार्ट में है वो मेनली क्रोमेटीन वाला सॉरी सेलुलर जेनेटिक ये सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल आ गया। एग्जांपल की बात करें नॉट फॉर ऑल दिस स्टेटमेंट नॉट फॉर ऑल एग्जांपल हियर एग्जांपल नॉस्टॉक इज द एग्जांपल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना इज द एग्जांपल ऑफ अनदर साइनोबैक्टीरिया और सी ऑसिलेटोरिया दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स है ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनमें से मैं एग्जांपल ले ले यहां पर नॉस्टॉक, बेसिकली नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या है फिलामेंटस है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर के साथ में फिलामेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर फिलामेंट स्ट्रक्चर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। एज वी नो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए क्या जरूरी है, निफ जीन चाहिए। इस नॉस्टॉक की फिलामेंट स्ट्रक्चर के अंदर निफ जीन जिस पर्टिकुलर सेल में होता है उस सेल को हेटरोसिस्ट कहते हैं। यह हेटरोसिस सेल नॉन ग्रीन सेल है, बेसिकली दिस इज नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दैट डोंट पजेस एनी पिगमेंट्स थायरॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स राइट। तो हेटरोसिस्ट में जो निफ जीन होता है उसका मेनली फंक्शन होता है एक एंजाइम परफॉर्म करना, एंजाइम का फॉर्मेशन करना, दैट इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। एंड नाइट्रोजिनेज एंजाइम बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, वो कैसे कर सकता है जब इसको कौन सी कंडीशन मिले, एनएरोबिक कंडीशन। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, सम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स नाइट्रोजन, व्हाई दे कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज दे पोजेस स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉन ग्रीन लाइक सेल्स हेटरोसिस सेल्स। तो हेटरोसिस सेल्स इस टाइप की सेल्स के अंदर किसी ब्लू ग्रीन एल्गी में मौजूद है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। दस हेटरोसिस नॉन ग्रीन टाइप्स ऑफ सेल्स विच इज एबल टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन हैविंग निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सेटिव जीन है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये परफॉर्म कर सकता है। एंड दिस नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन किस कंडीशन में करेगा, जब एनारोबिक पोजीशन आएगी, एनारोबिक कंडीशन आएगी, उसी कंडीशन के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। नॉस्टॉक की स्ट्रक्चर देखे अपन, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, फिलामेंटस है, कॉलोनियल पोजीशन में होते हैं। तो बेसिक इसका स्ट्रक्चर्स जो नजर आ रहा है वो हम फिलामेंट बना रहे हैं नॉस्टॉक, तो नॉस्टॉक फिलामेंट स्ट्रक्चर फिलामेंट। All cells possess green like structures, thylakoid structures, but some cells are non green cells. Non-green cells. The outer portion is covered with gelatin wall. Gelatin wall से cover रहता है। This is gelatinous wall. This is thick cell wall. Thick cell wall,
नॉन ग्रीन सेल्स, दिस इज नॉन ग्रीन सेल्स, दिस इज हेटरोसिस्ट, बाकी सारी सेल्स हैं वो ग्रीन सेल्स हैं। ग्रीन सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनमें पिगमेंट होगा, कलर पिगमेंट होगा। सिवाय इसको छोड़ करके हेटरोसिस्ट सेल, इस सेल और इस सेल को छोड़ करके जिनके अंदर हेटरोसिस्ट होता है, जो हेटरोसिस्ट सेल्स हैं, क्योंकि इन हेटरोसिस्ट सेल्स के अंदर पहली बात तो क्या नहीं होता, पिगमेंट नहीं होता, पिगमेंट एब्सेंट है। क्या मौजूद है, निक जीन मौजूद है। क्या मौजूद है, नाइट्रोजनेज एंजाइम इसमें होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम। और नाइट्रोजनेज एंजाइम की वजह से क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की यदि हम इंपोर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस की बात करें, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर दो तीन चार चीज आ गई। नंबर वन, ये सिंबायसिस शो करता है, सिंबायसिस। दूसरा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। थर्ड नंबर, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट इवोल्यूशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब फ्री ऑक्सीजन नहीं थी तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने सबसे पहले अर्थ के अंदर वो फ्री ऑक्सीजन रिलीज करवाया। एंड फोर्थ नंबर, दे जनरली यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते। आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया ओल्ड और इनसीन बैक्टीरिया। जब अर्थ पर सबसे पहले एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ को लाइफ पॉसिबल नहीं थी, आर्किबैक्टीरिया वर वन एंड ओनली द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो सबसे पहले राइज हुए थे, सबसे पहले उनकी लाइफ पॉसिबल यहां पर हुई थी। इट इज द बिलीव दैट दीज वर द ऑर्गेनिज्म विच वर दीज एक्चुअली लाइफ वर ओरिजिनेटेड। ये उस वक्त थे जहां पर लाइफ की ओरिजिनिटी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले एंशियंट बैक्टीरिया थे, ओल्ड इसलिए बोलते हैं बेसिकली क्योंकि वो हार्श, उस हार्श कंडीशन में भी अपने आप को कैपेबल कर सकते थे। ये कैपेबिलिटी उनकी क्यों थी, बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल, यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। दे आर कैपेबल टू सर्वाइव इन अ हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन कौन सी हो सकती है, एक्सट्रीम पीएच, एक्सट्रीम सॉल्टी, एक्सट्रीम हॉट एंड चिल्ड वॉटर कंडीशन, एनारोबिक कंडीशंस, डेप्थ वाली पोजिशन, इस तरह से, इस तरह की कंडीशन वाल्केनो में हो सकती है, डेड सी में हो सकता है। तो बेसिकली इनके अंदर मोनेरा जैसी क्या बात है, नो न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोइड्स, बिकॉज नेकेड जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्मा में सस्पेंडेड, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि मोनेरा में उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को रखा गया जिनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द ब्रांच लिपिड एंड हाइड्रोकार्बन आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दे आर देयर, दैट्स व्हाई द आर्की आर्ची बैक्टीरिया आर कैपेबल टू सर्वाइव इन इवन इन हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम अनसुटेबल कंडीशन में जहां लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पॉसिबल नहीं है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बट ओनली द आर्ची आर्कीगोनिया सॉरी ओनली द आर्की बैक्टीरिया आर कैपेबल टू सर्वाइव देयर लाइफ बिकॉज ऑफ व्हाट, देयर यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का यूनिक फीचर होगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर के थ्रू ये चीज अपन देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सब में यूनिक होती है। एडिशनल एक लेयर होती है स्यूडो न्यूरामिक एसिड की बनी हुई, इस स्यूडो न्यूरामिक एसिड की वजह से इसके अंदर एक कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर आ गया और उसमें भी एक प्लस एडिशनल चीज होगी, सेलवोल। सेलवोल है वो सरफेस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो एक तरह से जो मेम्ब्रेन हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एडिशनल लेयर और एडिशनल लेयर के अंदर सेलवोल जो सरफेस प्रोटीन होती है, ये सब कुछ हार्श कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया को कैपेबल करते हैं लाइफ सर्वाइव करने के लिए। सो हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम पीएच, हॉट कॉल कूल वोल्केनो एंड साल्टी कंडीशंस, That's why they are not affected from the lysosomes. हमारी बॉडी के अंदर यदि आर्की बैक्टीरिया आ भी जाए बेसिकली तो lysosomes उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। lysosomes में lactic टाइप के एंजाइम्स होते हैं, hydrolysis टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिससे बड़ी से बड़ी चीजें डाइजेस्ट हो सकती है। बट इनके यूनिक फीचर, इस मेम्ब्रेन के फीचर की वजह से, यूनिक फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, दे आर अनअफेक्टेड फ्रॉम द lysosomes, इवन lysosomes से वो अफेक्टेड नहीं है। टाइप्स की बात करें, मैथेनोजेंस जो मैथेन गैस बना सकते हैं, बेसिकली जो रोमिनेंट
टाइप के एनिमल्स हैं जो जुगाली करते हैं, उनके इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह का बैक्टीरिया होता है, ये माइकोबैक्टीरियम रूमिनिन हो सकता है। माशी एरिया के अंदर जो कीचड़ से निकलने वाली गैस होती है, बायोगैस भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो बायोगैस बनाने के लिए डंग के अंदर जो बायोगैस बनती है वो मैथनोजन बैक्टीरिया की वजह से होती है, क्योंकि वहां बल्क में इंटेस्टाइन के अंदर से जो निकलने वाला डंग है उसके अंदर ये मौजूद होती है, इसलिए इसको बायोगैस एज ए बायोगैस कल्चर की तरह प्लांट में यूज किया जाता है। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर, एसिडो मीन्स हाई पीएच कंडीशन, एंड फिल्स मीन्स लविंग, तो दैट्स आर्चिबोनिया लविंग टू द हाई टेम्परेचर एंड हाई पीएच, वेरी हाई टेम्परेचर वेरी हाई पीएच, इस वजह से आर्चिबोनिया ये हार्श कंडीशन में हो सकता है। एग्जाम्पल है थर्मो एक्वेटिकस, थर्मो एक्वेटिस का एक्वेटिकस का इंपोर्टेंस है इन बायोटेक्नोलॉजी, इन बायोटेक फील्ड, बिकॉज ये जो थर्मो एक्वेटिकस है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डिजायर जीन की कई मिलियन ट्रिलियन नंबर कॉपीज बना सकता है। बेसिकली वो न्यूमरस जो कॉपीज बन सकती है वो हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये हाई टेम्परेचर में भी कैपेबल होगा, इसलिए इस टाइप के एंजाइम्स जो थर्मो एक्वेटिकस बैक्टीरिया के अंदर बनता है, आर्की बैक्टीरिया में बनता है, वो थर्मो स्टेबल एंजाइम है। वो थर्मो स्टेबल एंजाइम 70-90 degrees Celsius इवन इतने हाई डिग्री टेम्परेचर में भी अपनी कॉपिंग बना सकता है, किसी पॉसिबल जेनेटिक मटेरियल की आरएनए की कॉपिंग बना सकता है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है। पीसीआर टेक्निक के बारे में आप पढ़ोगे, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, उसके अंदर इस बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया से निकलने वाले एंजाइम्स का यूटिलाइज किया जाता है। हैलोफिल्स हाई सॉल्टी एरिया के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, एग्जांपल है डेड सी। तो इस तरह से ये सारे के सारे आर्की बैक्टीरियाज हैं, वो आर्की बैक्टीरिया इनके यूनिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम पीएच, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम सैलिनिटी वाले एरिया के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से इसकी साइज काफी छोटी होती है। एक चीज यहां पर शेयर करना चाहूंगा, आपसे पूछा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विदाउट सेल वॉल तो नाम आएगा माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, एग्जाम्पल आएगा माइकोप्लाज्मा। दूसरा क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नाम आएगा बैक्टीरिया का, तो सेल विदाउट सेल वॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइकोप्लाज्मा, और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही बात करें तो हो गया बैक्टीरिया। ठीक है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से इनकी साइज काफी छोटी होती है, सेल वॉल इनमें एबसेंट है, इस वजह से ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, यानी कि इनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, इसलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, बिकॉज द सेल वॉल इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द शेप और साइज ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हियर लैक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट है, इसलिए पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर में अपनी शेप और साइज चेंज करते रहते हैं। डिजीज कॉजिंग है, ये डिजीज क्रिएट करते हैं, प्लांट में भी डिजीज क्रिएट करते हैं और एनिमल्स के अंदर डिजीज क्रिएट करते हैं। पीपीएलओ बोला जाता है, सबसे पहले इनका जो डिस्कवरी हुई थी वो एक निमोनिक एजेंट के फॉर्म में होती, तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स आल्सो नोन एज, इसे एमएलओ भी कहा जाता है, माइक्यूल लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट में भी डिजीज क्रिएट करते हैं, एनिमल में भी डिजीज क्रिएट करते हैं। फिलोड एंड विचेस ब्रॉन्स, डिफरेंट जो क्रॉप्स होती हैं उनमें बंचेस क्रिएट कर देते हैं लीव्स पे, येलो डिजीज बेसिकली लीव्स पर येलो पेचेस होने की पोजीशन के अंदर इस तरह की डिजीज हो जाती है। येलो ड्वार्फ डिजीज के अंदर है वो प्लांट की शेप ड्वार्फ हो जाती है, छोटी हो जाती है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में माइकोप्लाज्मा निमोनी बैक्टीरिया, निमोनिया के अंदर बेसिकली ये स्पेसिफिक टाइप का निमोनिया है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन क्रिएट करता है, लंग्स को क्रिएट करता है एनिमल्स के। माइकोप्लाज्मा जेनिटेलम, ये माइकोप्लाज्मा जेनिटलम है वो पैल्विक इन्फ्लेमेटरी के अंदर, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्रिएट करता है जो जेनिटल और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की एक वैरायटी है। स्ट्रक्चर की बात करें माइकोप्लाज्मा, बेसिकली माइकोप्लाज्मा इज लाइंड सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, दिस इज साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा में सर्कुलर डीएनए है, द
डबल स्ट्रैंड डीएनए। सोल्युबल प्रोटीन इसके अंदर सराउंडेड रहती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं। साइटोप्लाज्मा के अंदर है वो सोल्युबल प्रोटीन्स होती हैं। राइबोसोम 70S है, यानी कि वो सारे स्ट्रक्चर जो मोनेरा के अंदर मौजूद होते हैं वो यहाँ पर स्पेशली मौजूद होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिम्स है दैट विच डज नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है, इस वजह से इनकी स्ट्रक्चर पॉलीमॉर्फिक है, ये चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ द विटेगर ने कुछ लिविंग ऑर्गेनिम्स या कुछ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिम्स ऑर्गेनिजम्स को है वो प्लेस प्रोवाइड नहीं किया था। उनमें से हैं लिचन्स, वायरस, वायरियोइड एंड प्रियॉन्स। ये स्पेसिफिक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं विच आर नॉट प्लेस्ड इन अ फाइव किंगडम सिस्टम। कंसिडर एज लिविंग ऑर्गेनिम्स बट वायरस डज नॉट poses any cellular organization, cell नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसको living organisms basically consider तो living organisms किया गया है, but important चीज है cell organization is absent, ठीक है। obligate parasite, because obligate parasite इसलिए कि ये किसी living body में enter करके उसके पूरे mechanism cell structure को cell body cell के organization को अपने लिए utilize करता है। so host must to survive the virus वायरस के सर्वाइव होने के लिए होस्ट जरूरी है, दैट टर्म कॉल ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस इज द मीनिंग, द वर्ड मीनिंग इज अ विनम, दैट इज विनम, दैट इज पॉइजन, इट्स टर्म गिवन बाय द पाश्चर। एवानास्प्री टीएमवी डिस्कवरी करी थी। टॉबेको मोजेक वायरस इज अ वायरस है जो टॉबेको के अंदर बंच क्रिएट करता है लीव्स का, जिसकी वजह से ये डिजीज का क्लियर होती है वहां पे। बेजनेरिक, बेसिकली बेजनेरिक जो वो टीएमवी से इसको आइसोलेट किया गया था। टॉबेको मोजेक वायरस में जो टॉबेको मोजेक डिजीज होती है उसमें फ्लूड को आइसोलेट किया बेंजामिन ने, और वहां से उस फ्लूड से आइसोलेट करके उस वायरस को और उस फ्लूड को किसी दूसरे प्लांट में इंसर्ट करवाया तो उसके अंदर भी ये टीएमवी डिजीज हुई। तो इस तरह से टीएमवी को आइसोलेट करने का बेंजामिन रिच बेंजरिक साइंटिस्ट ने इसको तरफ जाता। स्टैनले द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, स्टैनले है आइसोलेट द वायरस बाय द क्रिस्टलाइन मेथड्स। कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस के दो पार्ट हैं, कैप्सिड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक्सेप्ट प्रोटीन कवर। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट दैट कॉल कैप्सोमियर। द अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर, अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर डिसाइड द सिमेट्री ऑफ कैप्सिड, सिमेट्री ऑफ द कैप्सिड डिसाइड द वैरायटी और टाइप्स ऑफ वायरस। है बेसिकल हेलिकल, प्लाज्मिड हेलिकल भी हो सकता है, कैप्सिड हेलिकल भी हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया जिसके अंदर है वो प्लाज्मिड सॉरी कैप्सिड है वो हेलिकल होता है, उसका एग्जांपल है टीएमवी। एंड पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, तो पॉलीहेड्रल होने की पोजीशन के अंदर वहां पर एग्जांपल हो गया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ठीक है, दोनों के एक बार स्ट्रक्चर अपन यहां पर देखें, पॉलीहेड्रल और इसका स्ट्रक्चर कैसे है। डायग्राम के थ्रू ये चीज एग्जांपल क्लियर करें, एक साइड डायग्राम बनाते हैं अपन, एक साइड डायग्राम बनाएंगे टीएमवी और दूसरी साइड डायग्राम बनाएंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियोफेज फीड करता है इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इस टीएमवी वायरस के अंदर कैप्सिड्स हैं वो इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, और हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने इसके जितने भी कैप्सोमियर्स हैं वो हेलिकल मैनर के अंदर है वो अरेंज होता है, और हेलिकल मैनर में अरेंज होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर हेलिकल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें अंदर की तरफ जेनेटिकल मटेरियल है इसका। तो टॉबेको मोजेक वायरस टॉबेको के अंदर डिजीज क्रिएट करता है। बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉलीहेड्रल कैप्सिड, इसकी सिमेट्री है, पॉलीहेड्रल सिमेट्री ऑफ द
the capsid decided by the arrangement of capsomeres. Capsomere की structure के through decide किया जाता है. इसके स्ट्रक्चर्स में सिमेट्री इस तरह से डिसाइड होती है. पॉलीहेड्रल कैप्सिड हो गया इसमें. ये इसका कॉलर वाला पोर्शन हो गया कॉलर. नीचे की तरफ इस पे एक हेक्सागोनल प्लेट होती है. हेक्सागोनल प्लेट के ऊपर है वो एक्सियल फिलामेंट निकले होते हैं, सिक्स एक्सियल फिलामेंट. तो बैक्टीरियोफेज का जो वायरस है वो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो बैक्टीरियो पे फीड करता है. इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका स्पेसिफिक सिमेट्री ऑफ कैप्सिड और ये कैप्सोमियर के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है. जेनेटिकल मटेरियल इसका अंदर वाला पार्ट है. जेनेटिकल मटीरियल है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, बट डीएनए और आरएनए, डीएनए मे बी सिंगल स्ट्रैंड और मे बी डबल स्ट्रैंड, आरएनए मे बी सिंगल स्ट्रैंड और मे बी डबल स्ट्रैंड. तो जेनेटिकल कोर यदि बेसिकली है तो इसके अंदर दो स्ट्रक्चर हो गए कैप्सिड और इसके बीच का डीएनए जेनेटिकल कोर. जेनेटिकल कोर डीएनए आरएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है. तो आरएनए वायरस अलग टाइप के हो गए. जितने भी आरएनए वायरस हैं उन आरएनए वायरस के अंदर एग्जाम्पल होता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स फैलाता है. रेट्रोवायरस इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि जनरली क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन मेथड है जिसके अंदर डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, आरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है. सेंट्रल डोगमा इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए फर्स्ट ऑफ आ कन्वर्ट इन आरएनए, देन आरएनए क्रिएट अ मैसेज टू मेक द प्रोटीन इन अ सेल, राइट. बट डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने के इस मेथड को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. बट आरएनए वायरस जितने भी होते हैं वो आरएनए वायरस के अंदर एचआईवी, वो आरएनए वायरस पहले डीएनए बनाता है, उसके बाद आरएनए बनाने के बाद प्रोटीन बनाता है. तो इस तरह से ये जो ट्रांसक्रिप्शन का मेथड उल्टा चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए इस एचआईवी के अंदर स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम है, दैट कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, राइट. प्लांट वायरस जितने भी होते हैं वो आरएनए आरएनए जेनेटिकल मटेरियल वाले होते हैं, और एनिमल वायरस होते हैं वो डीएनए जेनेटिकल मटेरियल्स वाले होते हैं. एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में एचआईवी तो आ गया आपका, एचआईवी के साथ में टीएमवी आ गया, फर्स्ट नंबर एचआईवी आ गया, टीएमवी आ गया, बैक्टीरियोफेज आ गया. उसके बाद में बात करूं इन्फ्लुएंजा वायरस जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है, पोलियो वायरस. These are the old example of virus. Viroid discovered by DNA scientist. This is single strand circular RNA which is not covered with capsid. यानी कि single strand circular RNA जो capsid से surround ना हो, covered ना हो, इस तरह से naked genetical material वाले इस form को हम कहते हैं viroid. इसकी वजह से tuber disease in potato create होती है. Second बात करें अपन prion, prion. प्राइम प्रोटीन विच इज इंफेक्शियस पार्ट ऑफ द वायरस. जब दोनों को अंदर कंपेयर कीजिए, यहां पर जेनेटिकल मटेरियल आरएनए है, कैप्सिड एब्सेंट है. यहां पर कैप्सिड है, कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, बट जेनेटिकल मटेरियल नहीं है. और उस कंडीशन के अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल एब्सेंट है बट प्रोटीन इन्फेक्शियस है, और प्रोटीन इन्फेक्शियस होने की पोजिशन में बहुत से लिविंग बॉडी के अंदर डिजीज क्रिएट करती है. नेक्स्ट पढ़े अपन लिचेंस. लिचेंस है वो ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक रिलेशन बना रही है. ऑब्लिगेटरी बिकॉज एक फंगस और एल्गी दोनों मिलकर के एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं जिससे एक दूसरे का प्रॉफिट है. स्ट्रक्चर के थ्रू देखे अपन फंगल पार्ट को माइक्रोबायोंट कहते हैं, और माइक्रोबायोंट आप देख रहे हैं ज्यादा है. वो ये वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, सॉइल से नॉरिशमेंट अचीव करने का काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन करने का काम कर रहा है, और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. तो माइक्रोबायोंट लिचेंस का पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट है फाइकोबायोंट. ये फाइकोबायोंट है एल्गल पार्ट है. एल्गल पार्ट फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और माइक्रोबायोंट जो फंगल पार्ट है
माइकोबाइंड जो फंगल पार्ट है वो तो वाटर एब्जॉर्प्शन और सेल्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये ज्यादा वास्ट पार्ट है, ज्यादा बड़ा पार्ट है, और फाइकोबाइंड वो एल्गल पार्ट है। दिस इज फंगल पार्ट, माइकोबाइंड हो गया, दिस इज एल्गल पार्ट, दिस इज कॉल्ड फाइकोबाइंड। ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन और सेल्टर क्रिएट कर रहा है। बेसिकली लिचेंस आर वेरी सेंसिटिव टू द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के लिए बहुत सेंसिटिव है, इसलिए दैट्स व्हाई लिचेंस आर आल्सो नोन एज पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, स्पेशली रिगार्डिंग टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जिस एरिए के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का पॉल्यूशन ज्यादा होता है उस एरिया में लिचेंस कभी ग्रो नहीं होती। यदि बेसिकली तेजी से सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो वहां लिचेंस वो बर्न हो जाती है। ठीक है, इस तरह से अपन ने ये सारी चीजें देखी। स्पेशली मैं बात करूं वायरस की, वायरस फर्स्ट वायरस, वायरियॉइड, प्रियॉन, ये चीजें अपन ने देखी। बेसिकली ये फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर कहीं प्लेस नहीं की गई थी, ये अपन ने कवर किया। और ऑफ कोर्स लीचेंस, राइट। सो ये आपका टॉपिक पार्ट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे प्रोटिस्टा।